अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये सारम फिश है। सारम फिश का रेट भी मार्केट के अंदर 250 से 300 रुपए के दरमियान अप एंड डाउन हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग या क्वालिटी ऑफ फिश के बिहाफ पे 50 रुपए की अप एंड डाउन जो 280 270 300 के अराउंड अबाउट ही इसकी चल रही है। व्यूअर्स, इसके अलावा जो सारम फिश है इसकी वेस्टेज की शरह काफ़ी कम निकलती है और इसको ठेले वगैरह वाले या जो साइकिलों पे फ़र्क करने वाले जो हजरात होते वो इसको ज़्यादा फोकियत देते हैं क्योंकि इसकी वेस्टेज शरह कम होती है और पाव आधा किलो के हिसाब से भी जो गोश्त वगैरह इसका काट के गली मोहल्ले में फ़रोख करते हैं तो इसी को ही फोकियत देते हैं। इसके अवेयरस बोनलेस वगैरह भी बनाए जा सकते हैं लेकिन इसके गोश्त के अंदर थोड़ा सा रूखापन मौजूद होता है और थोड़ी गोश्त में सख्ती होती है। लेकिन अगर 200 से 250 के राउंड अबाउट मिल जाए तो फिर ये बेहतर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसका जो रेट था वो काफ़ी हद तक ऊपर जो 600 से 700 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। 200 से 250 के राउंड अबाउट या 300 मैक्सिमम तक अगर ये मिल जाए तो ये बेहतर फिश कहलाएगी, वरना फिर इसके गोश्त के अंदर रूखापन मौजूद होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, टूना फिश की कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसके बेनिफिट और उसके जो नुकसान का वगैरह है उनके मुतलिक आपको अपडेट किया था। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जो इसके अंदर मर्करी लेवल इतना ज़्यादा होने की वजह से इसको फिर जो जैपनीज़ वगैरह या दूसरे कंट्रीज़ इसको क्यों पसंद करते हैं। व्यूअर्स, इसमें ओमेगा 3 की भी एक अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है लेकिन अगर इसका जो दाना बहुत बड़ा होता है तो फिर उसमें मर्करी का लेवल भी बढ़ जाता है और उनकी कंट्रीज़ के अंदर भी जो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इन मछलियों के ऊपर जो अलर्ट है वो जारी किए हुए लेकिन वो इसको पसंद करते हैं और खाते हैं लेकिन उनकी कंट्रीज़ की तरफ से भी इसके अलर्ट्स वगैरह जारी किए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे मुल्क में सिगरेट के डब्बे के ऊपर कैंसर ज़्यादा तस्वीर लगा के फ़रोख किया जाता है तो वैसे ही उनकी कंट्रीज़ में जो मच ऑफ मरकरी लेवल वाली जो मछलियाँ हैं उनके अलर्ट्स वगैरह भी जारी किए जाते हैं। उठाओ किसान को उठाओ।